स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ATM कार्ड या डेबिट कार्ड सर्विस चार्ज के बारे में। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम वो ATM कार्ड लेते हैं, कोई भी इंस्टेंट मास्टर EVM डेबिट कार्ड लेते हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम इसमें चार्ज जो 100 रुपीज प्लस GST लगता है। वहीं अगर आप पर्सनलाइज EVM डेबिट कार्ड लेते हैं, पर्सनलाइज का मतलब आपका नाम उसमें इम्बॉस होगा, तो 200 रुपया प्लस GST आपको लगता है। वहीं अगर आप जनधन अकाउंट में रुपए कार्ड लेते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट में, तो फ्री है। देखिए, कोई सैलरीड क्लास है, पेंशन अकाउंट है, या फिर बैंक के स्टाफ अगर कोई ATM कार्ड लेते हैं, तो उनकी कोई भी इसमें चार्ज नहीं लगती है। देखिए, अब अगर अब आप इस कार्ड को कितना बार फ्री यूज कर सकते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ATM को आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ATM में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको महीने में 8 ट्रांजेक्शन फ्री है, चाहे वो फिनेंशियल या नॉन फिनेंशियल दोनों मिलाकर। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन में आता है पैसा निकालना, नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन में आता है बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट। आपने 8 पूरे कर लिए फ्री एक मंथ में, उसके बाद अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो आपको 20 रुपीज प्लस GST का चार्ज लगता है। अब हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ATM कार्ड को आप किसी और बैंक के ATM कार्ड में कितने बार दफ़ा फ्री यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी सेविंग अकाउंट है किसी भी टाइप की, तो आप महीने में 5 ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं दूसरे बैंक के ATM में, चाहे फिनेंशियल हो या नॉन फिनेंशियल। उसके बाद अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करने जाते हैं, तो अगर आप पैसे निकालने जा रहे हैं, तो आपको 20 रुपये प्लस GST चार्ज लगता है। वहीं अगर आप नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट, तो 10 रुपये प्लस GST आपको चार्ज देना पड़ता है। करेंट अकाउंट में एक भी फ्री नहीं है। आप अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, तो 20 रुपया प्लस GST आपको चार्ज देनी पड़ेगी दूसरे ATM से, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 10 रुपया प्लस GST, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के क्या चार्जेस हैं। तो डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन चार्ज नॉन जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ATM फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर आप फॉरेन कंट्री में किसी भी ATM से जम्मू एंड कश्मीर बैंक ATM कार्ड के थ्रू पैसा निकालने जाते हैं, तो आपको 100 रुपीज प्लस GST चार्ज देनी पड़ती है। अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए इंटरनेशनल में 25 रुपये प्लस GST। अगर आप ATM में पैसा निकालने जा रहे हैं पर आपके अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस नहीं है और आपकी ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो गई है, तो उसका भी आजकल चार्ज लगता है। वो चार्ज है 25 रुपये प्लस GST। अदर चार्जेस हम देखते हैं, आपने अगर DPN के लिए रिक्वेस्ट किया है बैंक में, तो 50 रुपये प्लस GST आपको चार्ज लगेगा। वहीं अगर आपने अपना कार्ड खो दिया या डैमेज हो गया और आप डुप्लीकेट कार्ड इशू कराना चाहते हैं, और उसके लिए आप इंस्टेंट डेबिट कार्ड मास्टर के या रुपए का लेना चाहते हैं, तो 100 रुपीज प्लस GST लगता है। वहीं अगर पर्सनलाइज कार्ड लेना चाहते हैं मास्टर या रुपए का, तो 200 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ता है। वहीं अगर आप किसान कार्ड में रुपए या मास्टर का इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं डुप्लीकेट, तो 50 रुपीज प्लस GST आपको चार्जेस देनी पड़ती है। पिन रिलीज, आपका पिन ब्लॉक हो गया, उसको रिलीज करवाना चाह रहे हैं, तो आपको 20 रुपया प्लस GST चार्जेस देनी पड़ेगी। एनुअल चार्जेस क्या है, देखिए ATM के एनुअल चार्जेस है 45 रुपया पर क्वार्टर है, यानी हर 3 महीने पे प्लस GST हर टाइप के डेबिट कार्ड के लिए एनुअल फीस है, साल में 4 बार लगेंगे। रिन्यूअल चार्जेस क्या है, देखिए कार्ड का एक्सपायरी डेट उस पर रहता है, वो एक्सपायर हो गया तो फिर रिन्यूअल के लिए आपको क्या चार्जेस है। पर्सनलाइज या इंस्टेंट डेबिट कार्ड मास्टर या रुपए का कोई भी कार्ड हो, तो आपको 100 रुपीज प्लस GST आपको रिन्यूअल चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये थी जम्मू एंड कश्मीर की ATM सर्विस चार्जेस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी वीडियो को लाइक से जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।